मुझे तो लिटरली भाई बेड ऐसे ऐसे कांप रहा था। अरे आरती हो रही है, ये धीरे धीरे गिर जाओगे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज ऐसा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, हम सब भी यहाँ स्वस्थ हैं। तो गाइज गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं आज ब्लॉग यहाँ से शूट कर रहा हूँ, शुरुआत भी कर रहा हूँ। और गाइज कल का ब्लॉग नहीं जाके देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, मम्मी ने मस्त सत्तू भरे रोटी बनाए थे गाइज। और गाइज अब ब्लॉग तो चालू कर दिया है मैंने, लेकिन हाँ मैं आपको दिखाता हूँ किट्टू का स्कूल ना जाने का क्या मतलब ड्रामा था। उसने तो बहुत एक्सट्रीम कर दिया, मैं जो दिखा रहा हूँ बहुत थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, बहुत एक्सट्रीम कर दिया था आज। किस तरह से हमने उसको स्कूल पहुंचाया गाइस, एग्जाम चल रहा है, अगर एग्जाम नहीं देगी तो फिर उसका एक साल वैसे ही पीछे चल रही है वो, क्योंकि वो स्कूल जाने के नाम पे तो वैसे ही मतलब होता है। लेकिन आज बहुत एक्सट्रीम ड्रामा किया गाइस, बहुत ज़बरदस्त वाला। तो चलिए पहले किट्टू के ड्रामे से शुरुआत करते हैं, उसके बाद ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं गाइस। गाइस आपने देखा किट्टू कितना ड्रामा करती है स्कूल जाने के समय में। आई अंडरस्टैंड उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, अभी बेटर हो रही है, लेकिन गाइस एग्ज़ाम चल रहा है, अगर स्कूल नहीं जाएगी तो कैसे काम चलेगा, आप समझ सकते हैं। बहुत एक्सट्रीम कर देती है गाइस। चलिए देखते हैं ब्यूटी क्या खाना बना रही है गाइस। गुड मॉर्निंग ब्यूटी। ये क्या बना रही है? बेसन का सब्जी है। अरे वाह, और ये आलू का भुजिया क्रिस्पी वाला। आज क्या बेसन का मतलब कुछ आइडिया? अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो चलो किट्टू, आप तो नहीं रो रहे थे बेटा, ले लिया आपने। गाइज ये देखिए, इसने चॉकलेट भी खरीदवा लिया। अब ये बताओ स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहे थे? मन नहीं था। हाँ? मन नहीं था। क्यों मन नहीं था? आज तो एग्जाम चल रहा है ना आपका। हाँ। तो फिर क्या नहीं, आप एक बार बताओ, मम्मा स्कूल दादी स्कूल पहुंचाने गई थी तो आप रो रहे थे। हाँ। क्लास में किसने चुप कराया आपको? मैम ने। मैम किसी भी लेती हैं? कहाँ ली थी किसी? अच्छा, और किसी ने पिटाई भी की है? नहीं ना। स्कूल ले ली जाना। ओके, कल तो स्कूल बंद है ना। हाँ। परसों एग्जाम है, परसों जाना है, ठीक है? परसों भी संडे है। नहीं, परसों हर रोज संडे थोड़ी होता है बेटे, ठीक है? ओके। तो गाइस हम घर में बैठे हुए थे और बेड पे ही बैठे हुए हैं अभी भी, और मेरा बेड बहुत तेज से हिल रहा था और मैंने ब्यूटी को बोला, वितु बेड क्यों हिला रही हो? तो मैंने इसको थोड़ा डांट भी दिया कि बेड क्यों हिला रही हो। और अभी जस्ट न्यूज़ देख रहा हूँ कि गाइस वो अर्थक्वेक था, मैंने तो बहुत ज़बरदस्त फील किया गाइस। और मैंने ब्यूटी से भी बुलाया। हाँ। तुमको भी अर्थक्वेक फील हुआ है मम्मी? गाइस मुझे तो लिटरली फील हुआ है अर्थक्वेक आ गया, मतलब लिटरली मेरा बेड हिल रहा था गाइस, आई फेल्ट इट बैडली। फिर मैंने ब्यूटी को डांटा कि बेड क्यों हिला रही हो, बंद हो गया। और उसके बाद गाइस न्यूज़ देख रहे हैं तो पता चल रहा है अर्थक्वेक आ गया। भाई आई होप आप लोग सभी लोग सेफ हो गाइस,
सभी लोग सेफ हो, हम लोग भी यहाँ सेफ हैं। मतलब मुझे बहुत लिटरली फील हो गया गाइस, बहुत फील हुआ। किट्टू अपने दादाजी के पास है, उसको पता नहीं चला है, यहाँ मुझे पता चला, ब्यूटी को पता चला, ब्रितु को भी पता चला है, क्योंकि बेड तो लिटरली हिल रहा था। ब्रितु डांट भी खा गई थे, हाँ डांट खा गई। मैंने इसको बोला बेड क्यों हिला रही हो, क्योंकि वहाँ पैर से हिलाती है तो गाइस पता चलता है ना, लेकिन वो पैर से नहीं हिला रही थी। अब मैं भी सोच रहा हूँ यार छोटी बच्ची इतना पैर से कैसे हिला सकती है। अर्थक्वेक पता हुआ गाइस, बाप रे बाप। अगेन आई होप आप लोग सेफ रहे गाइस। तो गाइस शाम हो गई है और मैं क्या ही बताऊँ, मतलब भूकंप ज़बरदस्त फील हुआ मुझे। तो चलिए बजरंगबली वाले दिन है गाइस, मीटिंग करके आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, भूकंप से बचा लिया उन्होंने। मुझे तो लिटरली भाई बेड ऐसे ऐसे कांप रहा था गाइस, है मुझे लग रहा था कि ब्रितु हिला रही है गाइस, लिटरली कांप रहा था ऐसे बेड लगा, कौन हिला रहा है, ब्रितु में इतना पावर कैसे आ गया। बाद में मैंने सोचा और न्यूज़ देखा तो पता चला भूकंप आया हुआ है, मैटर हो गया ये सब। तो गाइस चलिए बजरंगबली से मीटिंग करके आते हैं। अरे अरे आरती हो रही है, ये धीरे धीरे गिर जाओगे, आरती हो रही है गाइस। यहाँ बजरंगबली से मुलाकात हो गई, बजरंगबली से मुलाकात हो गई। तो गाइस मस्त बजरंगबली का दर्शन कर लिए और हम लोग घर वापस आ गए हैं। और गाइस आज के ब्लॉग में आप देख रहे हैं, आपको दो चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा। एक किट्टू के स्कूल जाने का ड्रामा, आप देख रहे हैं कितना रोई है आज, कितना रोई है गाइस, ये ऑफन चलते रहता है उसका। और गाइस लिटरली मुझे मतलब बाद में पता चला कि अर्थक्वेक था वो, और मैंने वितु को डांट दिया गाइस, आई फेल्ट अर्थक्वेक टुडे एंड आई फेल्ट इट बैडली गाइस। ज़बरदस्त वाला बेड हिल रहा था, ज़बरदस्त वाला। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सपोर्ट बढ़ाएं गाइस, हमें भी आगे बढ़ाएं। और गाइस मम्मी ने कल सत्तू वाला रोटी बनाया था और ज़बरदस्त लगा खाने में, प्लीज़ कल वाला ब्लॉग देखिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय गाइस।